तो आपकी पीआर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे एंड आपकी सारी फी वगैरह जो भी हो आई बिलीव रिफंड कर दी जाएगी। 4 के इमिग्रेशन टारगेट्स के जो कि 485,000 लोगों को पीआर दी जाएगी। और जिस वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट मोस्ट अवेटेड कनाडा पीआर अपडेट्स फॉर 2024। तो अगर आप लोग इस टाइम वीजा स्टेटस पे एंड इसी साल कनाडा में पीआर फाइल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वही वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। सो ऑल द सेम टाइम बस साथ वीडियो। सो इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट नंबर 5th पॉइंट ऑन माई लिस्ट विच इज IRCC इज इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू वेरीफाई ऑफर लेटर्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। वो इसका मतलब क्या है, जब भी कोई इंसान इंडिया से या किसी भी कंट्री से यहाँ पे स्टूडेंट वीजा लेके आता है उन्हें यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपनी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दिखानी होती है, यानी कि ऑफर लेटर जो इशू होती है यहाँ भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से। तो पहले तक तो क्या हो रहा था कि भाई रिसेंटली काफ़ी हाई प्रोफाइल केस भी आया था जहाँ पे नियरली 700 लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा था कि भाई जब वो ऐसे 4-5 साल पहले, क्योंकि कुछ लोग पीआर भी हो चुके थे कुछ लोग वर्क परमिट पे भी थे, कि भाई जब वो लोग आए थे उन्होंने फेक ऑफर लेटर सबमिट किया था और वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला था। भाई ऐसे टाइम में कुछ लोगों ने घर खरीदने की प्लानिंग कर ली होती है, कई उन्हें खरीद भी लिया होता है, कई लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो इस टाइम पे आपको बोला जाए कि 5 साल पहले जब आप आए थे तो फेक ऑफर लेटर लगाया गया था तो और अब आपको वापस जाना हो डिपोर्ट किया जा रहा, तो भाई काफ़ी बड़ी सिरदर्दी हो जाती है, इंसान को पता नहीं चलता जाए कहाँ जाए। एंड जनरली क्या होता है इंडिया या किसी भी कंट्री में आई बिलीव जो भी लोग स्टूडेंट वीज़ा की फाइल लगाते हैं वो अपने कंसल्टेंट से लगवाते हैं, राइट, उनको फीस दे दी, डॉक्यूमेंटेशन दे दी। अब अगर कंसल्टेंट ऐसा ग्रीडी इंसान है कि जो एक्चुअली में फीस पे कर ही नहीं रहा, आपको फेक ऑफर लेटर जनरेट करके दे रहा है कि भाई वीज़ा आ गया तो वहाँ जाके खुद ही देख लेंगे, नहीं आया तो भाई नहीं आया, तो उसमें काफ़ी बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, भाई एक नया ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा फॉर DLI इंस्टीट्यूट्स, यानी कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स। तो जहाँ भी बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है बच्चों को पढ़ने के बाद, वो सारे DLI वाले होते हैं। तो उसमें क्या होगा, उस ऑनलाइन पोर्टल में जब भी कोई स्टूडेंट अपनी फाइल लगाएगा, वीज़ा की एप्लीकेशन लगाएगा, तो वहाँ पे उस इंस्टीट्यूट को बोल दिया जाएगा कि भाई यहाँ पे 10 कैलेंडर डेज़ का आपके पास टाइम है, ये हमारे पास एप्लीकेशन आई है, आप वेरीफाई करो कि भाई ऑफर लेटर जेन्युइन है या फिर नहीं, ठीक है, ताकि उसी टाइम सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एंड आई बिलीव ये स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि इन केस आप किसी ऐसे कंसल्टेंट से लगवा रहे हो जिसने आपके साथ धोखाधड़ी की है, आपको पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है। एंड ऐसे टाइम में क्या होगा, लेट्स से कि भाई फेक ऑफर लेटर लगाई गई है, ठीक है, इंस्टीट्यूट बोल देता है कि भाई नहीं ये तो हमने इशू नहीं की, तो आपको उसी टाइम बोल दिया जाएगा कि भाई ये फेक ऑफर लेटर है, एंड आप जाके उस कंसल्टेंट का गला पकड़ सकते हो क्योंकि अभी आप इंडिया में बैठे हो, ठीक है, आपकी फ़ी वगैरह तो रिफंड हो ही जानी चाहिए। एंड अगर आपको आपका जो इंस्टीट्यूट है अप टू 10 कैलेंडर डेज़ के अंदर नहीं भी रिस्पॉन्स देता, वेरीफाई नहीं कर पाता, ठीक है, उस टाइम के अंदर, तो बेसिकली आपकी वीज़ा एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाएगी, रिजेक्ट नहीं होगी, कैंसिल होगी, एंड आपकी सारी फ़ी वगैरह जो भी होगी आई बिलीव रिफंड कर दी जाएगी। तो वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि यहाँ पे आने के बाद उन्हें ना पता चले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट नो हाउ टू फाइल दिस एप्लीकेशन, आप किसी न किसी कंसल्टेंट के पास जाओगे एंड अगर वो धोखाधड़ी कर रहा होगा तो भाई आपको वहीं बैठे पता चल जाएगा। बिफोर यू पुट योर 4 or 5 years इन टू दिस कंट्री यू पुट सो मच मनी कि पहले स्टूडेंट आए वर्क परमिट पे पीआर पे, उसके बाद चीज़ें पता चले, इससे अच्छा तो पहले ही पता चले, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी होने वाली है। और यार अगले मजेदार अपडेट की बात की जाए तो इन 2024 IRCC इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू कैटेगरी बेस्ड एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉस। अब इसका मतलब क्या है, एक्सप्रेस एंट्री बेसिकली फेडरल लेवल की पीआर प्रोग्राम होता है जहाँ पे कि कनाडा की गवर्नमेंट आपके प्रोफाइल को रिव्यू करती है एंड आपको फाइनली पीआर दे देती है। डजंट मैटर आप LMI लेके आ रहे हो, आप स्पाउसल स्पॉन्सरशिप लगा रहे हो या फिर आप PNP लेके आ रहे हो, आपकी फाइल एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू तो होके जाती ही है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे। तो बेसिकली पहले क्या रहता था, वहाँ पे सिंपली आप प्रोफाइल क्रिएट करते थे बेस्ड ऑन योर एजुकेशन या फिर आप वर्क एक्सपीरियंस या आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, उन सब चीज़ों के बेसिस पे आपको स्कोर दिया जाता था एंड फिर उसके बाद कट ऑफ निकाली जाती थी कि भाई जैसे कि आई थिंक अबाउट 900 पॉइंट का मैक्सिमम स्कोर रहता है एक्सप्रेस एंट्री का, तो देखा जाता था कि भाई किसके कितने CRS स्कोर बन रहा है। जैसे हर ड्रॉ निकलेगा, लेट्स से वीकली या बाई वीकली निकल रहा है, तो भाई इस बार 600 स्कोर वालों को इन्विटेशन भेजा गया, इस बार 500 वालों को भेजा गया, तो ऐसे में जिसकी एज प्रोफिशिएंसी कम है या फिर जिसका वर्क एक्सपीरियंस कम है, हो सकता है आप काफ़ी वैल्यूएबल इंसान हो जिसकी काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेशन है, लेकिन आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कम है तो आपके पॉइंट्स कम बन रहे हैं, तो पॉइंट्स कम बन रहे हैं तो यानी कि आपकी PR आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं या फिर लेट आती है जब भी ड्रॉ लो कट ऑफ पे जाएगा। तो अब ऐसा नहीं किया जाएगा, अब कैटेगरी बेस्ड 2023 में इंट्रोड्यूस किए थे आई बिलीव, तो उसमें बेसिकली ऑक्यूपेशन टारगेट्स की जाएंगी। इन्होंने रिसेंटली पोस्टल कोड्स भी इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है, आपके एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में, विच विल टेल कि आप अगर एक सिटी में भी रह रहे हो, लेट्स से 10 लोग रह रहे हैं एक टोरंटो के अंदर, लेकिन उसमें पोस्टल कोड्स अलग अलग होने वाले, यानी कि अलग अलग एरिया, तो आप कौन से एरिया से आ रहे हो, तो वो भी चीज़ें इन अकाउंट ली जा रही है। आई बिलीव ये भी कहीं ना कहीं आगे जाके आपको ही बेनिफिट देने वाली हैं कि कौन से एरिया में कौन से ऑक्यूपेशन के लोग रह रहे हैं, क्या क्या हिसाब किताब है, तो सारा डेटा कलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है,
कनाडा एंड यू नो फॉरेन वर्कर्स के बेसिकली बेनिफिट के लिए। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी, अगर आपका यू नो बेसिकली पहले कट ऑफ वगैरह मीट नहीं हो पाता था कि स्कोर बहुत हाई जा रहा है, अब ऐसा नहीं रहेगा, कैटेगरी बेस में पर्टिकुलर कैटेगरीज को किया जाएगा। हाँ, उस कैटेगरी में भी एक कट ऑफ स्कोर दिया जाएगा, बट वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होगा जनरली, क्योंकि किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में काम करते हैं जो कनाडा के लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, तो आपकी पीआर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जिनके 2024 के इमिग्रेशन टारगेट्स की, जो कि 485,000 लोगों को पीआर दी जाएगी, ठीक है जी, इस साल में। एंड कैसे दी जाएगी वो भी बात कर लेते हैं। तो अलग अलग मैंने यहाँ पे ब्रेकडाउन निकाला हुआ, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी का। सबसे पहले 281,000 लोगों को इकोनॉमिक क्लास के अंदर पीआर दी जाएगी। फिर भाई फैमिली क्लास टारगेट इन्होंने जो रखा है वो है 114,000 लोग, ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर आया था। ह्यूमैनिटेरियन एडमिशंस में इनको लगाया गया 89,000 लोगों को बेसिकली कंसिडर किया जाएगा पीआर के लिए। एंड एक्सप्रेस एंट्री में 110,000 लोग, एंड सेम गोज फॉर पीएनपी प्रोग्राम्स, उसमें भी लगभग इतने लोगों को इन्विटेशन भेजा जाएगा। बेसिकली ये लोग इनवाइट भेजते हैं कि आओ भाई पीआर अप्लाई करो, यू आर एलिजिबल टू फाइल फॉर योर पीआर। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, फिर सब कुछ यू नो असेस किया जाता है, बैकग्राउंड चेक ये वो एंड ऑल, फिर आपको पीआर दी जाती है। तो ये सब सिनेरियो रहता है। उसके बाद भाई स्पाउस पार्टनर या फिर चाइल्ड स्पॉन्सरशिप जो रहती है, ठीक है, लोग करते हैं अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के लिए, उसमें टारगेट रखा गया 82,000 लोगों का। कई बार थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता है, कई बार थोड़ा नीचे भी रहता है, डिपेंडिंग कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, कितनों को इन्वाइट जा रहा है। एंड उसके बाद लास्टली पेरेंट्स एंड यू नो ग्रैंड पेरेंट्स की जो स्पॉन्सरशिप लगती है, उसमें बेसिकली 32,000 लोगों को कंसिडर किया जाएगा इस साल, ठीक है, जो कि पिछले साल से आई थिंक 28,500 लोग थे 2023 में, 2024 में थोड़ा बढ़ाया गया, ईयर ऑन ईयर ऊपर ही जाते होते टारगेट्स जनरली। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है सुनने के लिए कि इस साल थोड़ा टारगेट ज़्यादा रखा गया है। पर यार आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि है कि भाई यहाँ पे IRCC विल नाउ इंट्रोड्यूस ए न्यू पोजीशन, ठीक है, उनके ही एक डिपार्टमेंट के लिए जो कि रहने वाले चीफ टैलेंट ऑफिसर। भाई ये चीज़ काफ़ी अच्छी सुनने में जो आई है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या रहेगा, जो इंडिविजुअल रहेगा इट विल बी रिस्पॉन्सिबल, ही और शी विल बी रिस्पॉन्सिबल कि भाई जो इनके इमिग्रेशन गोल्स रहते हैं वो एक्चुअली में लेबर मार्केट नीड से अलाइन भी करें। बेसिकली ये जितने भी कोटाज निकालते हैं कि भाई इन लोगों को पीआर देंगे, उनको पीआर देंगे, क्या वो लोग यहाँ पे पीआर लेने के बाद जॉब ढूंढ पाएंगे, क्या वो कनाडा की इकोनॉमी को वैल्यू यू नो प्रोवाइड कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हम हमेशा बात करते हैं कि हाउसिंग बहुत यू नो बैकलॉग में चल रही है, या फिर हेल्थ केयर बहुत वर्स चल रहा है, तो ऐसे लोगों को भी भाई प्रायोरिटी दी जाए ना भाई पीआर में, कि भाई इनका कोटा बढ़ाया जाए या इनको थोड़ा आसान किया जाए, ताकि ये लोग यहाँ पे आके फुलफिल कर सके कनाडा की नीड्स, ताकि दोनों चीज़ें यू नो बराबर बराबर चले। जितने लोग यहाँ पे पीआर आ रहे हैं उन्हें भी यू नो रोजी रोटी कमाने का मौका मिले, करियर बढ़िया सेट करने का मौका मिले, एंड कनाडा को जिन चीज़ों की वाकई ज़रूरत है उन्हें भी थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका मिले। इसलिए हम लोग अक्सर बात करते हैं कि भाई अगर ओंटारियो जाओगे या BC जाओगे, क्यूबेक जाओगे, वहाँ पर पीआर लेनी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, देयर इज बेरली एनीथिंग कि आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सको, इसलिए आपको वहाँ ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती। एंड आपको फिर इधर उधर मूव होना पड़ता है पीआर के लिए, या फिर किसी कंसल्टेंट के चक्कर में पड़ना पड़ता है जो कि 20-30-40 हज़ार मांगते हैं। तो ये पोजीशन आई थिंक काफ़ी बढ़िया रहेगी, क्योंकि जब एक इंसान का सोलो फोकस इसी चीज़ पर रहने वाला है कि भाई जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो एक्चुअली में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रही है एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज एक बार आपने किसी को पीआर दे दी वो बंदा कहता है चलो मैं यहाँ पर रहूँगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको भी कहने के जॉब करें, उनको भी ज़रूरतें हैं भाई हेल्थ केयर की, हाउसिंग की, यू नो डेली नेसेसिटीज, उनको भी खाना वगैरह चाहिए, तो उनको कमाने का मौका मिलना चाहिए ताकि उनको भी यू नो एक्सपीरियंस बढ़िया रहे कनाडा में लाइफ जीने का, यहाँ पर अपना फ्यूचर देखें, एंड कनाडा को भी एट द एंड ऑफ द डे वैल्यू मिले। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। लास्टली हम यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई, जो इन्होंने काफ़ी बड़ा अपडेट दिया था कि जो GIC थी स्टूडेंट वीज़ा के लिए 10,000 से 20,000 कर दी गई। उसके बाद जो अभी तक स्टूडेंट्स 40 आवर्स काम कर रहे थे उन्हें बोला गया कि भाई आफ्टर अप्रैल 30 आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, या फिर जो लोग इस टाइम यू नो इस साल 2023 के एंड में अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक्सटेंशन मिलेगा, वो इन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो टेम्प्रेरी पॉलिसी जो एंड कर दी गई है। तो भाई ये सब चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं? तो मेरे हिसाब से तो भाई कनाडा ने रियलाइज़ किया है कि इतने ज़्यादा लोग हर साल यहाँ पे टेम्प्रेरी रेजिडेंट बुलाने के बाद उनके यू नो इतनी बेसिकली हर एक बंदा अपॉर्चुनिटी के लिए लड़ झगड़ रहा होता है कि भाई मेरे को मौका मिल जाए, मेरे को जॉब मिल जाए, ठीक है, मेरे को पीआर मिल जाए, तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, जितने ज़्यादा लोग उसके लिए लड़ने पड़ जाते हैं उतने ज़्यादा लोग कूद पड़ते हैं, तो अभी वो कहीं ना कहीं लिमिट करने की कोशिश करते हैं। एंड स्टूडेंट वीज़ा की भी जो मैंने लास्ट टाइम चेक की थी, आजकल जो चल रही है अबाउट 50% रिजेक्शन रेट चल रहा है, ठीक है, कनाडा की स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि फिलहाल ये टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स पर थोड़ा सा लिमिट करना चाहते हैं कि कितने लोग ऐसे टेम्प्रेरी रेजिडेंट आते हैं, विच मेक्स सेंस टू मी, बिकॉज लेट्स से अगर आप इस टाइम इंडिया बैठे हो ना, आपको सुनने में थोड़ी निराशा वाली चीज़ लग रही हो, तो भाई आपके अभी इन्वेस्टमेंट नहीं लगी है, अभी आप लोग यहाँ नहीं आए हो, यू स्टिल हैव एन ऑप्शन कि आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, यू नो अमेरिका कहीं भी चले जाओ, बट जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं अब उन्हें अगर जॉब नहीं मिल रही, उन्हें अगर PR नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए ज़्यादा सिरदर्द है, बिकॉज वो ऑलरेडी आगे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ वैल्यूबल साल दे दिए, उन्होंने फीसें भर दी हैं, पैसे लगा दिए हैं, नाउ इट्स देयर टाइम टू यू नो फील सेटल्ड।
तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लिमिट किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं मतलब आपको इनिशियली शायद सुनने में बुरा लगे बट आपको ही मदद करेगा। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 20 आवर्स दोबारा लिमिट कर दिए कि भाई 40 आवर्स कोई काम नहीं करेगा, 20 आवर्स ही रहना चाहिए, तो पहले जो एक स्टूडेंट 40 घंटे पूरे कर रहा था, दो स्टूडेंट्स मिलकर 20-20 पूरे करेंगे, तो दोनों को कुछ कुछ पैसा कमाने का मौका मिलेगा, दोनों का रोजी रोटी चलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ही के काम आएंगी, मेरे को तो यही लगता है। बाकी इस चैनल पर मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट देता रहूँगा जो जो मुझे इंटरेस्टिंग लगेंगे, वैल्यूएबल लगेंगे। तो भाई ये एक वीडियो थी जहाँ पे मैं सारे अपडेट शेयर कर देना चाहता था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे आपका दिल करे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।